अपना नेक्स्ट टॉपिक रहेगा लोक सेवा आयोग, तो उसके बारे में शुरुआत करते हैं। जो लोक सेवा आयोग का वर्णन है वो आर्टिकल 315 से 323 में है। आर्टिकल 315 से लेके आर्टिकल 323 तक है। हम एक तो पढ़ेंगे राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, एक पढ़ेंगे यूपीएससी के बारे में। हम दोनों को एक साथ यहीं पे कवर कर लेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो। आरपीएससी की अगर बात करें तो आरपीएससी के लिए इसमें क्या होता है, एक होता है अध्यक्ष और पांच होते हैं इसमें सदस्य। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की हमने बात की जिसमें मैंने बताया इसमें होता है एक अध्यक्ष और पांच होते हैं सदस्य। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपीएससी की। यूपीएससी की जो स्थापना की गई थी वो एक आयोग है उसकी अनुशंसा पे की गई थी। आयोग का नाम है ली आयोग। ली आयोग की अनुशंसा पर यूपीएससी की स्थापना की गई थी। इनकी गठन के बारे में जो बात है वो है आर्टिकल 315 में। यूपीएससी के भी गठन की जो बात है वो बात है आर्टिकल 315 में। नेक्स्ट आरपीएससी में एक अध्यक्ष और पांच सदस्य होते हैं, वहीं यूपीएससी में सदस्यों की संख्या है 10। यूपीएससी में सदस्यों की संख्या कितनी है, 10। नेक्स्ट हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है वो नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। यहां पर नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल के पास होता है, लेकिन पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। तो क्या बताया मैंने कि नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा और पद से हटाने का जो अधिकार है वो होता है राष्ट्रपति के पास। निलंबित जरूर, निलंबित थोड़े टाइम के लिए राज्यपाल कर सकता है, लेकिन पद से हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। इन्हें पद से हटाता भी कौन है, राष्ट्रपति। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कार्यकाल। अगर हम आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी का कार्यकाल है 6 ईयर और मैक्सिमम जो एज है वो है 62 साल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछा जाता है। ऑप्शन दिया होगा 6 साल और 65 वर्ष, 5 साल और 70 वर्ष, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। जो कार्यकाल है आरपीएससी का वो होता है 6 साल और 62 वर्ष की आयु, जबकि यूपीएससी का जो कार्यकाल है वो होता है 6 ईयर और 65 वर्ष की आयु। इन्हें पद से हटाता कौन है, किसके द्वारा हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा इन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो कार्यकाल और यहां पर एज जो है वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं आरपीएससी की जो स्थापना की गई थी, आरपीएससी की जो यूपीएससी की स्थापना हुई थी वो थी 1926 को यूपीएससी की स्थापना की गई, जबकि आरपीएससी की स्थापना की गई 20 अगस्त 1949 को। अब हम आरपीएससी और यूपीएससी दोनों के प्रथम अध्यक्ष देख लेते हैं। तो आरपीएससी के जो प्रथम अध्यक्ष थे, आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष उनका नाम है SK घोष। क्या नाम है, SK घोष। आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष का नाम है SK घोष और जो यूपीएससी के प्रथम अध्यक्ष है उनका नाम है, उन प्रथम अध्यक्ष यूपीएससी के उनका नाम है सर रोस बारकर। तो ये आरपीएससी और यूपीएससी के बारे में हमें इतना ही ध्यान रखना है, इसको फटाफट रिकॉल करते हैं, आगे चलते हैं। आरपीएससी की जो स्थापना हुई थी वो थी 20 अगस्त 1949 में। आरपीएससी कहाँ है, राजस्थान में, अजमेर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। आरपीएससी की स्थापना हुई 20 अगस्त 1949, कहाँ स्थित है, अजमेर में। इसमें एक अध्यक्ष और पांच सदस्य हैं। यूपीएससी में सदस्यों की संख्या है 10। नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा, नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। यहाँ पद से हटाते हैं राष्ट्रपति, वहां से पद से हटाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। कार्यकाल 6 साल और 62 वर्ष, यहाँ कार्यकाल और 65 वर्ष। प्रथम अध्यक्ष SK घोष और SR रोस बारकर। यूपीएससी की स्थापना हुई थी 1926 में। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपना।
यहां मैं साथ में इन दोनों को इसलिए पढ़ा रही हूं ताकि जो डिफरेंशिएट है दोनों में वो किया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की। हमें राजस्थान के संदर्भ में सारे टॉपिक पढ़ने हैं तो मैं राजस्थान वाले ही टॉपिक बता रही हूं आपको सारे। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट टॉपिक है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार आयोग इसका मुख्यालय है जयपुर में। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय है जयपुर में। अब बात करते हैं इसकी स्थापना देश में कब की गई, क्योंकि देश में भी मानवाधिकार आयोग है और हमारे राज्य में भी है। इसकी स्थापना देश में कब की गई और राज्य में कब की गई, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है तो देश के लिए पूछते हैं और कई बार राज्यों के लिए पूछ लेते हैं। तो देश में स्थापना की गई थी 1993 में और राजस्थान में हुई इसकी स्थापना 1999 में, जिसका मुख्यालय कहाँ रखा गया, जयपुर में रखा गया। इसके गठन की अगर हम बात करें तो इसमें मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष और कितने सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और दो सदस्य होते हैं, ठीक है। हमने बताया कि राज्य में इसका गठन हुआ 1999 में और कार्य करने जो इसने शुरू किया वो 2000 से इसने कार्य करना शुरू किया। एक अध्यक्ष है और दो सदस्य हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। यहाँ अध्यक्ष और सदस्यों की जो नियुक्ति है मानवाधिकार आयोग में वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, एक समिति की सिफारिश पर। एक समिति की सिफारिश पर राज्यपाल द्वारा की जाती है। उस समिति का अध्यक्ष होता है अपना सीएम यानी मुख्यमंत्री। अब और कौन कौन से सदस्य होते हैं इसमें, बहुत सारे एग्जाम में ये सदस्य ही पूछ लिए जाते हैं ऑप्शन में कि निम्न में से कौन सा सदस्य उस समिति में नहीं होता है। तो कौन से सदस्य होते हैं, एक होता है विधानसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, मंत्री, मुख्यमंत्री तो होते ही हैं, मुख्यमंत्री तो है ही इसका पार्ट, विधानसभा का अध्यक्ष, उस राज्य के गृह विभाग का मंत्री, उस राज्य के गृह विभाग का मंत्री, और होंगे इसमें विपक्ष के नेता, और होंगे विधानसभा के विपक्ष के नेता, ये सब इस समिति में होंगे। इस समिति के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री। इस समिति की सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्ति करता है इन सब की। जो कार्यकाल होता है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का वो कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए और मैक्सिमम जो आयु है वो है 70 वर्ष। बहुत इंपॉर्टेंट है 5 वर्ष की आयु और मैक्सिमम जो है वो है 70 वर्ष। जबकि यहां पर एक चीज बता दूं, केंद्र के साथ भी कंपैरिजन कर दूं यहीं पे साथ में कि केंद्र में भी कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष और मैक्सिमम एज होती है 70 वर्ष। सेम रहता है केंद्र मानवाधिकार आयोग में और राज्य मानवाधिकार आयोग में। नेक्स्ट बात करते हैं इनको पद से हटाता कौन है, पद से हटाता कौन है। तो इनकी नियुक्ति तो की जाती है राज्यपाल के द्वारा और इनके पद से हटाने का काम किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब हम शुरुआत करते हैं पहले अध्यक्ष से कि प्रथम अध्यक्ष कौन थे राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग के। प्रथम अध्यक्ष इनका नाम है कांता भटनागर। जो अभी है वर्तमान में उनका नाम है, वर्तमान में उनका नाम है प्रकाश टाटिया। जो कब से कब तक है, 2015 से 2020 तक। क्या नाम बताया मैंने, प्रकाश टाटिया। जो अध्यक्ष के पद पे व्यक्ति है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो अध्यक्ष के पद पे राज्यपाल उच्च न्यायालय के
उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीशों में से किसी को नियुक्त करता है? को ही नियुक्त किया जाता है एज ए अध्यक्ष ऑफ राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। निम्न में से ही किसी को यहाँ पर नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब देखते हैं 1993 में क्या आया था, अधिनियम आया था मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। तो ये क्वेश्चन बनते हैं कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कौन से ईयर में आया था और इस अधिनियम के तहत ही 1993 में आया था, इस अधिनियम के तहत ही केंद्र में मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई और राज्य में 1999 में इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट बात करते हैं, जब राज्य में इसकी शुरुआत हुई थी 1999 में तो एक अध्यक्ष थे और चार सदस्य थे। कितने थे? एक अध्यक्ष और चार सदस्य 1999 में। फिर क्या हुआ, इसको संशोधित किया गया 2006 में और संशोधित करके इसकी सदस्यों की संख्या कर दी गई दो। तो एक अध्यक्ष और दो सदस्य फिर नियुक्त किए गए। वर्तमान में अगर हम देखें कि कौन कौन से सदस्य हैं, तो उनका नाम है सदस्य वर्तमान में चंद्रमोहन मीणा और एक है आशुतोष शर्मा। अब एक चीज और डिफरेंस बताती हूँ, एक होती है संवैधानिक बॉडी, एक होती है असंवैधानिक। संवैधानिक मतलब जिसका उल्लेख संविधान में किया गया हो, और असंवैधानिक जिसका उल्लेख संविधान में नहीं किया गया हो, जिसको बाद में गठित किया गया हो। तो मैं लास्ट में एक वीडियो बनाऊंगी, उसमें आपको बता दूंगी कौन सी संवैधानिक बॉडी है, कौन सी असंवैधानिक है। बाकी आप ध्यान भी रख सकते हो जिसमें अनुच्छेद का वर्णन मिल जाए, जैसे आरपीएससी और यूपीएससी में मैंने बताया अनुच्छेद, इसमें कोई अनुच्छेद मैंने नहीं बताया, अधिनियम बताया। तो मतलब ये एक असंवैधानिक बॉडी है, और आरपीएससी और यूपीएससी जो आयोग है, अपने पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो सब संवैधानिक बॉडी क्योंकि उनका संविधान में उल्लेख है। तो आप इसको देख लेते हैं फटाफट। हमने पढ़ा नेक्स्ट टॉपिक मानवाधिकार आयोग। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का जो मुख्यालय है वो जयपुर में है। देश में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत, जबकि राजस्थान राज्य में ये स्थापित किया गया 1999 में। उस टाइम इसमें एक अध्यक्ष और चार सदस्य थे। राजस्थान में 2006 में इसकी सदस्य संख्या को चेंज करके दो कर दिया गया। इनकी नियुक्ति जो की जाती है राज्यपाल के द्वारा की जाती है एक समिति की सिफारिश पर, और उस समिति में सदस्य होते हैं विधानसभा का अध्यक्ष, सीएम, गृह विभाग का मंत्री और विपक्ष का नेता। इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो होंगे हमारे मुख्यमंत्री। कार्यकाल होता है 5 वर्ष और 70 वर्ष की आयु। यही केंद्र में होता है 5 वर्ष का कार्यकाल और मैक्सिमम 70 वर्ष की आयु। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों को पद से हटाने का काम करते हैं राष्ट्रपति। प्रथम अध्यक्ष थे राजस्थान के कांता भटनागर, वर्तमान में है प्रकाश टाटिया, जिनका कार्यकाल है 2015 से 2020 तक। इनके जो दो सदस्य हैं इस आयोग के वो हैं चंद्रमोहन मीणा और आशुतोष शर्मा। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, बात करते हैं लोकायुक्त की। ज्यादा कुछ है नहीं टॉपिक में, एक बार रीडिंग करने के बाद याद रह जाएगा, और इनसे क्वेश्चन बहुत बार आ जाते हैं एग्जाम में, इसलिए टॉपिक को छोड़ना नहीं चाहिए इनको, जबकि डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, दो बार पढ़ने के बाद ही याद हो जाएंगे आपको अच्छे से। लोकायुक्त, नेक्स्ट अपन बात करते हैं लोकायुक्त की। आरपीएससी यूपीएससी की बात की, मानवाधिकार आयोग की बात की, नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकायुक्त की। लोकपाल का पद होता है सेम वही है। इस पद का जो सृजन किया गया था वो करने के पीछे रीजन था भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए लोकपाल पद का गठन किया गया देश में और लोकायुक्त पद का गठन किया गया राज्य में, किया गया राज्य में, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, ये जो लोकायुक्त पद हमारे यहां सृजित किया गया है वो एक स्वीडन में एक पद है, ओम्बडसमैन संस्था, इसके बेस पे इस पद का यहाँ पे हमारे भारत में इस पद का सृजित किया गया। इसमें क्या है कि स्वतंत्र संस्था है, इसमें केंद्र का और राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस पद को सृजित करने के पीछे उद्देश्य था भ्रष्टाचार को कम करना। लोकपाल पद बना देश में और लोकायुक्त पद का गठन किया गया राज्यों में। ये किसके विरुद्ध जांच करते हैं, वो है प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध,
प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच करता है ये आयोग। ठीक है, भ्रष्टाचार की जांच की जाती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम आया था। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम आया था 1973 में। कब आया था? 1973 में राजस्थान में ये पद आया था। सबसे पहले जो लोकायुक्त का पद गठित हुआ था वो हुआ था उड़ीसा में। कौन से राज्य में? उड़ीसा में। 1970 में उड़ीसा में 1970 में इस पद को गठित किया गया था। जो लोकायुक्त की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। पद से हटा कौन सकता है? पद से हटा भी राज्यपाल सकता है। पद से हटा कौन सकता है? राज्यपाल ही पद से हटा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इनका जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष। ये अपना त्याग पत्र भी राज्यपाल को संबोधित करते हैं। त्याग पत्र भी किसको संबोधित करते हैं? राज्यपाल को संबोधित करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अपने प्रथम लोकायुक्त प्रथम लोकायुक्त थे आईडी दुआ। जो प्रथम लोकायुक्त थे उनका नाम है आईडी दुआ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन आईडी दुआ का ही सर्वाधिक कार्यकाल वाले थे और सबसे कम कार्यकाल वाले रहे हैं वी एस दवे। ये सबसे कम कार्यकाल वाले हमारे लोकायुक्त रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 12वें नंबर के जो थे SS कोठारी जो 2013 से कार्यरत हैं, वो 12वें नंबर के लोकायुक्त हैं और वो 2013 से कार्यरत हैं। तो हम बात कर लेते हैं कि फटाफट हमने कहा कि राजस्थान में हम बात कर रहे हैं लोकायुक्त के पद की, तो लोकायुक्त पद का जो गठन किया गया वो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए किया गया और ये भ्रष्टाचार की जांच करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध। ये स्वीडन की ओम्स्टवेन संस्था पे आधारित है। लोकपाल का पद गठित किया गया देश में, लोकायुक्त का पद गठित किया गया राज्य में। सबसे पहले लोकायुक्त का पद जो गठित किया गया था वो 1970 में किया गया उड़ीसा में, जबकि राजस्थान में अधिनियम आया लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में। जो नियुक्ति की जाती है लोकायुक्त की वो की जाती है राज्यपाल के द्वारा। उसको पद से हटा सकता है राज्यपाल और वो अपना त्याग पत्र संबोधित करता है राज्यपाल को। लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो है 5 वर्ष। जो राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त हैं उनका नाम है आईडी दुआ, जिनका सर्वाधिक कार्यकाल रहा है। कम कार्यकाल रहा है वीएस दवे जी का। 12वें नंबर के हैं एसएस कोठारी जिनका कार्यकाल 2013 से चल रहा है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान राज्य सूचना आयोग। नेक्स्ट देखते हैं सूचना आयोग के बारे में। सूचना आयोग केंद्र में भी होगा और राज्य में भी होगा, तो हम देखते हैं राजस्थान राज्य सूचना आयोग के बारे में। तो सूचना का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 21 में है। सूचना का अधिकार बताया सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब लाया गया? भारत सरकार के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम आया 2005 में। राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ इसी अधिनियम के आधार पर। राज्य यानी राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ 13 अप्रैल 2000
6 को। कब गठन हुआ? 13 अप्रैल 2006 को राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ, जिसका मुख्यालय है जयपुर। इस सूचना आयोग के गठन में अरुणा राय का काफी नाम है, काफी योगदान रहा। राजस्थान राज्य में सूचना आयोग के गठन में किसका योगदान रहा? अरुणा राय का। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ 13 अप्रैल 2006 को, मुख्यालय था जयपुर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इसमें कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें एक होता है मुख्य सूचना आयुक्त, एक होता है मुख्य सूचना आयुक्त, और 10 होते हैं अन्य सूचना आयुक्त, 10 होते हैं अन्य सूचना आयुक्त, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 होते हैं अन्य सूचना आयुक्त। इनकी नियुक्ति की जाती है सेम, इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर। अभी पढ़ गया कि सेम रहेगा, उस समिति का अध्यक्ष कौन रहेगा? सीएम। उसमें कौन कौन से होंगे? एक होंगे विधानसभा के सारे सदस्य उसमें शामिल होंगे, प्लस विपक्ष के नेता और गृह मंत्री, राज्य के गृह विभाग का मंत्री सीएम, विधानसभा के सदस्य, विपक्ष नेता और गृह विभाग के मंत्री, गृह विभाग का मंत्री अध्यक्ष होंगे सीएम। यह समिति सिफारिश करेगी, उस सिफारिश पर नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। कार्यकाल जो रहेगा वो रहेगा, हम बात करते हैं कार्यकाल की, कार्यकाल रहेगा 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। शपथ दिलाई जाएगी राज्यपाल के द्वारा, शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। शपथ दिलाई जाएगी राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं त्याग पत्र भी राज्यपाल को, त्याग पत्र भी राज्यपाल को। अब हम देखते हैं कि राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे। राजस्थान राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त, प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त का नाम है एमडी कोरानी। कौन है प्रथम सूचना आयुक्त? कौन है राजस्थान के? एमडी कोरानी। जो अभी है तीसरे सूचना आयुक्त, उनका नाम है, उनका नाम है सुरेश चौधरी। क्या नाम है? सुरेश चौधरी। अब इस सूचना आयोग के अगर हम केंद्रीय सूचना आयोग से थोड़ा सा कंपैरिजन करें, तो केंद्र में सूचना आयोग का जो गठन हुआ था 12/10/2005 को। कब गठन हुआ था? 12/10/2005 को। वहां का जो कार्यकाल है वो भी सेम है, 5 वर्ष की आयु। केंद्र में भी सेम है, यही केंद्र में है कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल और मैक्सिमम 65 वर्ष की आयु। इसको रिकॉल करते हैं, रिमेनिंग जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमने क्या पढ़ा? जो सूचना का आयोग, जो राज्य सूचना आयोग है, उसका गठन हुआ 13 अप्रैल 2006 को, जबकि केंद्र सरकार के द्वारा अधिनियम आया था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। तो इसी टाइम केंद्र में सूचना आयोग का गठन हो गया था 12/10/2005 को। राजस्थान में जो सूचना आयोग है उसका मुख्यालय है जयपुर। इस आयोग के गठन में अरुणा राय का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जब प्रथम इसके सदस्य की संख्या है, एक है मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त। इनकी नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा एक समिति की सिफारिश पर। इनका कार्यकाल है वो बताया मैंने, 5 वर्ष और 65 वर्ष की आयु। शपथ राज्यपाल द्वारा, त्याग पत्र भी राज्यपाल को संबोधित करते हैं। जो प्रथम सूचना आयुक्त थे राजस्थान के, उनका नाम है एमडी कोरानी, और जो अभी वर्तमान में जो तीसरे सूचना आयुक्त है उनका नाम है सुरेश चौधरी।